कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया संत लॉरेंस का पर्व मनाती है। बचपन से ही वे प्रभु के कार्यों में लीन किया करते थे, प्रभु के प्रेम में अपने आप को समर्पित किया करते थे। उनके पिता एक राजा थे और वे नहीं चाहते थे कि वे प्रभु के कार्यों को करें। 2 साल तक वे उनके साथ अमान्य व्यवहार करते रहे और 2 साल के बाद उन्होंने धर्माध्यक्ष को संत लॉरेंस को सौंप दिया। बचपन से ही वे मठ में रहकर शिक्षा हासिल करने लगे और प्रभु के कार्यों को करते रहे। धर्माध्यक्ष की मृत्यु के बाद जब वे 25 वर्ष के हुए तब उन्हें 1150 में धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1171 में उनके कार्यों को देखते हुए राजा हेनरी द्वितीय ने उन्हें बुलाया और वहां पर स्थापित बेनेडिक्टाइन मंक ने उनका अत्यधिक स्वागत सत्कार किया। 1175 में भी उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया ताकि वहां पर हो रहे मतभेद को वह दूर कर सके और प्रभु के कार्यों को लोगों तक पहुंचा सके। उनके कार्यों को देखते हुए एक अंग्रेज राजा ने उनसे कहा कि तुम जो चाहते हो वह मांग लो, वह उनकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। और उनकी हर तरह से उस राजा ने मदद की, क्योंकि वे जानते थे कि उनका जीवन प्रार्थनामय है और प्रभु के कार्यों को वे करते हैं और कई चमत्कारों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उनकी मृत्यु 14 नवंबर 1180 में हुई। संत पिता होरोनियस तृतीय ने 1225 में उन्हें संत घोषित किया। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहन, हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें और प्रभु के लोगों को प्रभु तक लाने की कोशिश करें, प्रभु के प्रेम को उन तक बांटने की कोशिश करें।